वहाँ भी रोड नहीं है जो मेन हमारी सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, लेकिन इसकी जो ब्यूटी आप देख के हैरान हो जाएंगे। इतना बड़ा रोड और इस तरह बना, ये पत्थर आप देख सकते हैं, पहाड़ देख सकते हैं, हम तो गाड़ी में बैठे बिल्कुल इस तरह ऊपर आते हैं कि देखने से इस तरह फील होता है कि बिल्कुल हमारे ऊपर ये झांक रहे हैं, हमें देख रहे हैं। तो आप ज़रूर आएँ, इस ब्यूटी को ज़रूर देखें और एक्सप्लोर करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाजमी आएँ और दोस्तों को लाजमी ये वीडियो शेयर करें। तो मेरे पास तो ऐसे अल्फाज ही नहीं है, देख देख के इतना इतना टाइम नहीं है कि मैं दोस्तों को दे सकूं जो मेरे साथ गाड़ी में बैठे हैं। मैं तो एक लम्हा इसका कोशिश कर रहा हूँ कि कैच करूँ और एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि ये दोबारा पता नहीं मौका मिलेगा इधर आने का या नहीं आने का, ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। लेकिन देख देख के आंखें भी नहीं थक रही, और कहता है कि यार आगे पता नहीं क्या आ रहा है, आगे क्या आ रहा है। और पहाड़ों के दरमियान से, पहाड़ों के मिड से रास्ता निकलता है, और जो बनाने वाले हैं ये शाहकार उनको भी सलाम है। और पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और ये उस्ताद जी हमारे, ये हमारे दोस्त हैं, कुछ तो वो ट्रैवल की वजह से थके हुए हैं, मैं तो नहीं थका, खैर मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ इस टूर को, और कोशिश है कि बाकी भी लोग एंजॉय करें। और ये देखें जी, भट्टी साहब हैं हमारे, ये उस्ताद जी हैं जिन्होंने 24-24 घंटे ड्राइव की है हमारे साथ, और मैं तो इनको भी सलाम पेश करता हूँ कि जो उस्ताद जी हैं अकेले गाड़ी में 24 घंटे एक साइड, 24 घंटे दूसरी साइड ड्राइव करना, नो डाउट एक बहुत बड़ा आर्ट है। मैंने कोशिश की है कि एक बार इनसे गाड़ी लेके खुद ड्राइव करूं, कोस्टर कभी की नहीं है, लेकिन बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं कर लूं, लेकिन इन्होंने कहा है कि यार रोड्स हार्ड हैं तो ना ही करो तो अच्छी बात है, लेकिन छोटी गाड़ी तो चलाता हूं मैं, मतलब हाई एस तक चला लिया, ये कोस्टर है तो थोड़ी बड़ी रोड तो अच्छे हैं, लेकिन दिल तो करता था कि यार मैं गाड़ी चलाऊँ इस पर, ये भी एक यादगार लम्हा है, एक टूर है। लेकिन उस्ताद जी ने बोला यार कि कुछ पता नहीं होता, मतलब रास्ते ऐसे हैं, आपने कभी पहले चलाई नहीं है गाड़ी तो आप ना ही चलाएं। तो लेकिन पहाड़ों को देख के इतना दिल खुश हुआ, इतना पत्थर, मैं तो 24 घंटे जो ट्रैवलिंग में पत्थर ही देखता रहूं, पहाड़ ही देखता रहूं, नीचे दरिया, राइट साइड पे दरिया और लेफ्ट साइड पे बड़े बड़े चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर, और क्या ही खूबसूरती, क्या ही खूबसूरती। जैसे अल्लाह ताला ने एक कुदरती, एक मतलब जन्नत एक भेज दी है दुनिया में ना, मुझे तो इस तरह फील हुआ है। ये एक छोटी सी सुरंग आ रही है,
लैंड स्लाइडिंग होती है, तो ये इस एरिया में इस तरह की सुरंग बना के तो उसको लैंड स्लाइडिंग से बचाया जा सकता है। तो बड़ा ही प्यारा, बहुत ही आला मोमेंट, ये पानी चश्मों का ऊपर से जो आ रहा है रोड पे आया, ये आपने देखा। दूसरी सुरंग आने वाली है, ये आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ सुरंग इस टाइप की होती हैं जो लैंड स्लाइडिंग से बचा जा सकता है, और बड़े पैसे लगते हैं, बड़ी जाने लगी हैं इसमें, बड़ा पैसा लगा है, बड़ी इंजीनियरिंग, बहुत ही महारत से ये बनाई गई है। और इन इंजीनियर्स को सलाम है, FWO को सलाम है, पाक आर्मी को सलाम है, चाइना के इंजीनियर्स को सलाम है, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना ही शाहकार, और नो डाउट हमेशा ही लाजवाब दोस्ती रही है हमारी चाइना के साथ, और हमेशा हमें एज ए नाइबरहुड उसने सपोर्ट किया। तो इस ब्यूटी को दुनिया के साथ एक्सप्लोर करने का पर्पस भी ये है कि ये रियल पाकिस्तान है, ये हकीकी खूबसूरत पाकिस्तान है। आप इसे हकीकत में पाकिस्तान को इस तरह देख सकते हैं कि असल पाकिस्तान ये है, जो दुनिया के सामने, जो मीडिया के सामने जो चीज़ें पेश की जाती हैं वो पाकिस्तान नहीं है, असल पाकिस्तान ये है, पूरा अमन पाकिस्तान, खूबसूरत पाकिस्तान। और मैं तो दुनिया के जो विजिटर्स हैं, जो मेरी बात को समझ रहे हैं, सुन सकते हैं, तो वो हमारे नॉर्दर्न एरिया का स्पेशली लाजमी विज़िट करें। ओवरऑल पूरा पाकिस्तान नो डाउट बहुत खूबसूरत है, हमारे सिटीज़ बहुत खूबसूरत हैं, बड़े बड़े सिटीज़, पूरा पाकिस्तान नो डाउट बहुत खूबसूरत है, हमारा कश्मीर बहुत खूबसूरत है। कश्मीर भी हमारा जो जन्नत का एक टुकड़ा है, और उसमें आएँ और उसमें रियल ब्यूटी देखें। दुनिया में इतनी जो फ्रस्ट्रेशन है, जो चीज़ें हैं, जो एक मशीनी लाइफ है, उससे हट के जो हकीकी ज़िंदगी में आएँ और हकीकत में देखें कि असल क्या है। तो ये हमारे आगे एक टूरिस्ट की गाड़ी हाईएस्ट टाइप ही जा रही है, और आप इसे देख सकते हैं बेसिकली। और मेरा पर्पस यही है कि मैं जितना भी हो सके मैक्सिमम अपने पाकिस्तान की ब्यूटी को एक्सप्लोर करूं, और अल्लाह ने मौका दिया तो बाकी कंट्रीज़ को भी एक्सप्लोर करूंगा, लेकिन अभी मैं कोशिश यही है कि मैं अपने पाकिस्तान को एक्सप्लोर करूँ। तो पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना मेरी सबसे बड़ी ही एक चैलेंज भी है, और मेरा टारगेट भी है इंशाल्लाह। तो ये एक्सप्लोर करके बाकी देखूँगा, बाकी दुनिया की वीडियोस भी देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे पाकिस्तान जैसी खूबसूरती मुझे कहीं नहीं लगी। वीडियोस में देख सकता है बंदा, नो डाउट, बाकी दुनिया भी अल्लाह ने बनाई है और वो भी बड़ी खूबसूरत होगी। तो ये चीज़ हमेशा जो लाइव बंदा देखता है, वीडियोस तो वीडियोस हैं, जो लाइव बंदा देखता है वो इंसान के जहन नशीन हो जाती हैं चीज़ें। तो तमाम दोस्तों को यही रिक्वेस्ट है, फैमिलीज़ के साथ भी आ सकते हैं, बड़ा सेफ़ एंड सिक्योर एरिया है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, थ्रू आउट पेट्रोलिंग होती रहती है पुलिस की और जो फ्रंटियर कोर है इसकी। तो यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी कर रही है, जैसे दिया मीर बादशाह डैम बना रहे हैं यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस को कम करने के लिए। और नो डाउट यहाँ छोटे छोटे बाजार भी हैं, खूबसूरती भी है, छोटी छोटी वादियाँ भी हैं, दरख्त भी हैं, पहाड़ भी हैं, बर्फ़ पोश जो है ना पहाड़ भी हैं। ये एक छोटा सा बाज़ार है, हम उसको क्रॉस कर रहे हैं, और इसमें ज़रूरत अशिया की जो इंसान की ज़िंदगी की चीज़ें हैं, हर चीज़ यहाँ मिलती है, कोई ऐसी चीज़ यहाँ नहीं है। होटल्स बड़े अच्छे हैं, साफ़ सुथरे लोग भी हैं, और होटल्स बहुत अच्छे हैं, मतलब कोऑपरेटिव लोग हैं। तो मैं तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस एरिया का ज़रूर विज़िट करें, हंजा पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, और नो डाउट लोग भी बहुत अच्छे, और नो डाउट टूर भी बहुत अच्छा। तो थैंक यू सो मच, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, पाकिस्तान जिंदाबाद।